ग्वालियर में एक रिटायर्ड टीआई पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। रिटायर्ड पुलिस अफसर ने महिला थाने में पदस्थ एएसआई को प्लाट बेचने डील कर 8 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बाद जब भी एएसआई रजिस्ट्री के लिए कहता, पुलिस अफसर टाल जाता। आखिर में रिटायर्ड टीआई ने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया और रुपए भी नहीं लौटाए। घटना बदौड़ापुर क्षेत्र की है। पीड़ित एएसआई की शिकायत पर पुलिस ने रिटायर्ड थानेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। शहर के महिला थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक लोकेंद्र शर्मा ने रिटायर्ड टीआई जेपी भट्टा से एक प्लॉट का सौदा किया था, जिसका अनुबंध 8,50,000 रुपए की राशि देकर किया गया था। उसके बाद वह रजिस्ट्री कराने के लिए चक्कर काटते रहे, लेकिन रिटायर्ड थानेदार ने रजिस्ट्री नहीं की। काफी परेशान होने के बाद जब लोकेंद्र ने पड़ताल की तो पता चला कि जिस जमीन पर रिटायर्ड टीआई के द्वारा प्लाट होना बताया गया था, वहां पर तो कोई प्लाट ही नहीं है। इस बात का पता चलते ही एएसआई फिर अपने पैसे वापस लेने के लिए पहुंचे, जहां रिटायर्ड पुलिस अफसर ने 8.5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। अपने साथ हुई धोखाबाजी का पता चलते ही एएसआई लोकेंद्र ने परेशान होकर बहोड़पुर थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस अफसरों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल जांच की और रिटायर्ड थाना प्रभारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में एएसपी शहर अभिनव चौकसे ने बताया कि प्लाट बेचने के नाम पर रिटायर्ड टीआई ने महिला थाने में पदस्थ एएसआई को 8 लाख रुपए से अधिक का चूना लगा दिया। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की है। घटना का पता उस समय चला जब अनुबंध के बाद भी टीआई ने रजिस्ट्री नहीं की और पैसे वापस नहीं दिए। मामला दर्ज कर लिया गया है। जमीन संबंधी अपराध हुआ है, इसमें धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इसमें हमारे ही एक महिला थाने का एक कर्मचारी है जिसके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। इसमें जमीन बेची गई थी, उससे पैसे भी दिए गए थे और उसको बदले में ना जमीन दी गई और ना ही प्लॉट दिया गया, ना ही उसको कोई पैसा दिया गया। तो यह एक प्रकार से पृथक रूप में देखने में आ रहा है कि यह धोखाधड़ी है और इसमें धोखाधड़ी दर्ज की गई।